अगर आपने कोई भी मकान प्रॉपर्टी किराए पर दी है या फिर किराए पर ली है तो उसके लिए जरूरी है हर तरह से रेंट एग्रीमेंट बनाना, जो कि किराएदार और मकान मालिक की आपसी सहमति से बनता है, जिसमें हर तरह की एक बात लिखी होती है, हर तरह का क्लॉज मेंशन होता है, जिससे किसी तरह का कोई बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बट अगर कभी कोई डिस्प्यूट पैदा भी हो जाता है, उठ भी जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम कितने सुरक्षित हैं अपनी उसी प्रॉपर्टी को लेकर। बट ये कितने टाइम का होता है, आमतौर पे लोग इसको 11 महीने का ही क्यों बोलते हैं या फिर क्यों बनाते हैं, 12 या उससे ज्यादा क्यों नहीं? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो ज्यादातर 11 महीने का ही क्यों बनता है। हेलो गाइस, दिस इज एनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। रेंट एग्रीमेंट होता क्या है? बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब इट फर्स्ट, सो दैट जो भी वीडियोस मैं आपको डालती हूँ उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरी आज की ये वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट होता है, जो कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की आपसी सहमति से, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हर तरह की बात लिखी होती है। इसको रेंट डीड एंड लीज डीड भी कहा जाता है। इसमें हर तरह की छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात लिखना लाजमी होता है, कितना रेंट देना है, कितना डिमांड की गई है, हर तरह की बात इसके ऊपर ही लिखी होती है। लिखती किसी भी तरह की बात को ही हम रेंट एग्रीमेंट मानते हैं। रेंट एग्रीमेंट किस तरह का बनता है? हमारे इंडिया में देखा जाए तो दो तरह के रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, एक जिसको लीज एग्रीमेंट कहा जाता है, दूसरा जिसको लाइसेंस एग्रीमेंट एंड रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। बात यह आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, घर बनाते समय हमको कौन सा एग्रीमेंट बनवाना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम इस एग्रीमेंट के अंडर हमारे पास ये राइट है, हमारा ये हक है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास है और दूसरा उसको कितना यूज कर सकता है। तो चलिए, जो लीज एग्रीमेंट होता है वो 12 महीने तक ही बनता है या उससे ज्यादा बन सकता है, पर उससे कम नहीं बन सकता। अगर 12 महीने का बनता है, उससे ज्यादा बनता है, जो कि रेंट कंट्रोल लॉज के अंडर आता है, तो इसके लिए इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है। पर जो रेंट एग्रीमेंट एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का बनता है, जो कि रेंट कंट्रोल लॉज के अंडर नहीं आता, तो इसके लिए ये आपकी मर्जी होती है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ। तो ऐसे अगर आप 12 महीने से कम रेंट एग्रीमेंट करवाते हो तो उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी नहीं है, आप रिटर्न में एग्रीमेंट करके अपना मकान कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो और दूसरा ले सकता है। बट 12 महीने या फिर उससे ज्यादा अगर कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो इन रिटर्न में, तो आपके लिए ये लाजमी है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना। तो अब बात आती है, अगर हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट हम करते हैं, तो क्या उसके नोटराइज्ड करना उसको जरूरी है, नोटरी साइन उसका जरूरी है? तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं इंडिया में ऐसा कोई भी रूल लॉ नहीं है। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हो, अपना रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए नोटरी साइन नोटराइज्ड करना जरूरी नहीं है। बात आती है कि रेंट एग्रीमेंट बनता कैसे है। ये एक तरह का ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है इन राइटिंग में, जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करना जरूरी होता है। इसको बनाते समय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के लिए ये जरूरी है कि किसी ना किसी तरह से दो गवाह जो होते हैं उनके सामने ही रेंट एग्रीमेंट बनाया जाए। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। अगर तो आप साल से कम का रेंट एग्रीमेंट बनाते हो तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना। बट अगर आप 12 महीने या उससे ज्यादा का करवाते हो, रेंट एग्रीमेंट बनाते हो आपसी सहमति से, तो ये लाजमी हो जाता है कानून के द्वारा भी। रेंट एग्रीमेंट जो होता है ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर किसी भी वकील की सहमति से, उसकी मदद से बनाया जा सकता है। अब जो चीज आती है कि इसका यूज क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट को हम कब और कैसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों बनवाते हैं? रेंट एग्रीमेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि एरर फ्री, मतलब कि किसी तरह का आपको ये डर नहीं होता
कि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो कोई किस उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहती है और टेनेंट के पास उतना ही राइट उतना ही हक होता है जितना कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। किसी तरह का आप मकान अपार्टमेंट कोई भी कमर्शियल मतलब कि कामकाज के लिए कोई अगर जगह दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी से तो उसके लिए रेंट बनाना जरूरी हो जाता है। ये एक तरह का फॉर्मल रिटन अग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। इसमें हर तरह का कोई भी जनरल मतलब के छोटी से छोटी लेके कोई भी स्पेशल जिस तक जहां तक आप अपना राइट रखना चाहते हो या फिर टेनेंट का राइट रखना चाहते हो उसका हक रखना चाहते हो कि वो इतनी चीज को यूज करेगा और इतनी को नहीं, हर एक चीज इसमें लिखी होती है। इसको रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो किसी भी लोकल अथॉरिटी से। आप लीगल तौर पे रेंट एग्रीमेंट को कैसे वैलिड बना सकते हो? आपके लिए ये जरूरी है जब भी आप रेंट एग्रीमेंट कोई बनाओ, पहली बात जैसे कि पहले भी बताया गया, इसको स्टैम्प पेपर पर ही बनाना जरूरी है, लाजमी है। दोनों पार्टीज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के दोनों के साइन होने जरूरी है उस पेज के ऊपर, उस रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, उसके बॉटम में। जो विटनेसेस है जिनके सामने आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, एटलीस्ट टू विटनेसेस जो कि आपको जरूरत है, उनके भी नाम और पता हर एक चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो अगर उसके साथ कुछ भी अटैच्ड है प्रॉपर्टी के साथ छोटी से छोटी बात, वो भी आप रेंट एग्रीमेंट में उसकी साफ साफ डिटेल में उसकी भी बातचीत उसको भी इन राइटिंग में लिखोगे, तभी आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो लीगली तौर पर आप एक अच्छा प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो। रेंट एग्रीमेंट में हर तरह की जैसे कि डिटेल भी आप घर दे रहे हो उसके साथ कोई पार्किंग स्पेस है कितना यूज करना है कितना नहीं करना, अगर आप उसके साथ घर के साथ कोई फर्नीचर दे रहे हो गीजर दे रहे हो किसी तरह का कोई बेड वगैरह या कोई किचन में कोई मटेरियल है कोई सामान है यूटेंसिल्स है, हर एक चीज मिन्यूट से मिन्यूट डिटेल जो होती है वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आपने उसी रेंट एग्रीमेंट में लिखी हो। उससे ज्यादा ये बात इंपॉर्टेंट रखती है कि प्रॉपर्टी का जो भी आप पोर्शन दे रहे हो, या तो होल प्रॉपर्टी दे रहे हो रेंट के ऊपर या फिर उसका कोई पोर्शन रेंट के ऊपर दे रहे हो उसका कोई पार्ट रेंट के ऊपर दे रहे हो, तो ये बिजनेस के लिए रेजिडेंशियल के लिए एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल पर्पस के लिए या फिर गवर्नमेंटल पर्पस के लिए यूज होना है, ये भी आपने बात रेंट एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए कि किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज होनी है, किसके लिए आप रेंट पे दे रहे हो और टेनेंट किसके लिए रेंट पे ले रहा है। हर एक चीज उसमें जरूरी होती है लिखनी ताकि लैंडलॉर्ड जो होता है वो किसी तरह की परेशानी में ना आ सके और टेनेंट जो होता है वो अपने ही हक तक उसको यूज कर सके। ये भी अगर आपकी टेन्योर खत्म हो जाती है रेंट एग्रीमेंट की तो लैंडलॉर्ड के लिए ये ओपन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है या फिर उसको रिन्यूअल भी कर सकता है। अगर लैंडलॉर्ड अपने उसी रेंट एग्रीमेंट को रिन्यूअल करता है तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट बनता है कि वो हर बार में 5 से 10% का जो भी रेंट है उसको इंक्रीज कर सकता है। रेंट एग्रीमेंट में ये भी लाजमी है कि कौन कौन से पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं महत्ता रखते हैं, जैसे कि कितना रेंट देना है या फिर कितना डिपॉजिट कर दिया एज अ सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड को, ये टेनेंट के लिए भी जरूरी हो जाता है इन फ्यूचर किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज ना हो पैसे को लेकर रेंट को लेकर। मेंटेनेंस अगर प्रॉपर्टी है जो उसको कैसे मेंटेन रखना है, किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी पूरा जो है उसका बिल टेनेंट देगा या फिर लैंडलॉर्ड का भी शेयर होगा। वाटर चार्जेस के ऊपर अगर किसी तरह की डैमेज रिपेयर करनी है कुछ चेंज करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, अगर कोई भी टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है लैंडलॉर्ड की ये, तो ये आपसी सहमति से जितने जितने जो जो पार्ट आप आपस में डिस्कस करते हो वो हर एक चीज रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा कितनी देर का आप रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो, कितने दिन से लेकर क्या डेट से लेकर किस डेट तक कर रहे हो, वो भी डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी तरह का रेंट एग्रीमेंट अगर आप कर लेते हो तो किसी तरह का बाद में कोई ऑल्टरेशन रिपेयर डैमेज मेंटेनेंस कुछ भी अगर लैंडलॉर्ड ने करवाना है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो टेनेंट को 30 दिन पहले उसका नोटिस देना जरूरी होता है। और अगर लैंडलॉर्ड अगर आपने कोई ओपन क्लोज रखा है कि लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग टेनेंट को बोल भी सकता है उसको वेकेंट करने के लिए टर्मिनेट कर सकता है, तो ये भी लाजमी है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को 30 दिन पहले नोटिस दे हर एक चीज का टर्मिनेशन का भी कि उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अगर वो नहीं देता
तो टेनेंट के पास लीगली तौर पर राइट बन जाता है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट एक्शन लेने का। बात आती है कि अगर हमने रेंट एग्रीमेंट नहीं किया इन राइटिंग में तो हमें कौन से ऐसे नुकसान हो सकते हैं जो फेस करने पड़ जाए। वैसे तो लाजमी है अगर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं अराइज होता तो ये जरूरी नहीं है, बट किसी को कुछ पता नहीं होता कि डिस्प्यूट अराइज हो भी सकता है या नहीं, तो लीगली तौर पर जो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, जो कि टर्म एंड कंडीशन आप रेंट एग्रीमेंट पे लिखते हो, तो उसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है आपके लिए कि आप अगर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो या फिर प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो आप अपनी सेफ्टी रखने के लिए उसको इन राइटिंग में जरूर करो, कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर करो जिसको कि रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। बिकॉज जब आप कुछ चीज लिखते हो रेंट एग्रीमेंट के ऊपर तो दोनों पार्टी सहमत रखती हैं उस चीज से और दोनों अपने अपने साइन करती हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता भी है तो आपका ये डायरेक्ट एविडेंस बनता है कोर्ट में पेश करने का और कोर्ट इसको एडमिसिबल मानती है। बट अगर आप किसी तरह का रेंट एग्रीमेंट नहीं करोगे तो इन केस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट आपकी ये लीगल इनएफिशिएंसी मानेगी और आपका अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपका इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लैंडलॉर्ड ने कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी अपनी जायदाद कुछ भी रेंट पे दे दिया और टेनेंट ने रेंट पे ले लिया, तो क्या लैंडलॉर्ड विदाउट टेनेंट्स परमिशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो इंस्पेक्शन करने के लिए ही क्यों ना हो, वापिस आएगा? आपके आंसर में इसका जवाब है नहीं। टेनेंट के परमिशन के बिना लैंडलॉर्ड उस पर प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं आ सकता, उस प्रीमिसेस के ऊपर चाहे उसने इंस्पेक्शन करनी है वो नहीं आ सकता। वैसे तो लैंडलॉर्ड या फिर उसके कोई भी एसोसिएट्स जो होते हैं उनका राइट बनता है अपनी प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करने का, क्योंकि वो जैसी थी वैसे है। बट अगर ऐसा कुछ है भी तो क्लॉजेस जो होते हैं वो रिटन अग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए और टेनेंट अपनी सेफ्टी के लिए ये भी उसमें मेंशन करवा सकता है कि अगर लैंडलॉर्ड ने वापस उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी इंस्पेक्शन के लिए ही अगर क्यों नहीं आता भी है अगर वो, तो उसको एक तरह का नोटिस आने से पहले टेनेंट को देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।